हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। और आज हम क्या करने वाले हैं बताओ बताओ जल्दी बताओ। आज हम चिकन बनाने वाले हैं। चिकन जो कि सिर्फ ये जो है लेग पीस लेकर के आए हैं। और क्या प्रोसेस है, क्योंकि आज शेफ मैं नहीं, शेफ ये है। लेग पीस ज्यादातर मैं पसंद करता नहीं हूँ, क्योंकि अब आजकल लॉकडाउन चल रहा है। रात को 9 बजे के पहले सारी दुकानें बंद होने लगती हैं। पुलिस वाले रहते हैं, चक्कर लगा रहे हैं दुकानें बंद करवाने के लिए। तो मैं गया चिकन लेने के लिए, तो हुआ यूँ कि अब उसके पास, उसने बोला कि भाई मैं चिकन काटूंगा नहीं आपके लिए स्पेशल, आप लेग पीस है आप यही ले जाओ। मैंने बोला मैं तो लेग पीस खाता नहीं, चेस्ट पीस हो तो दे दो। तो फिर लास्ट में वो जान पहचान का अच्छा आदमी है, तो उसी के पास से चिकन लेता हूँ मैं। तो मैं आज उसके पास ये लेग पीस बचा हुआ था चिकन का, तो मैं ये उठा लाया है आज। चलिए, ये चिकन तो चिकन ही होता है भाई, खाते हैं। तो मैं जिम वगैरह वर्कआउट वगैरह करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीजें खाऊं। तो हेल्दी डाइट सबसे बड़ी बात है, कि हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए, चिकन आज अमन का भी मन था, जाते समय पूछ लिया था मैंने कि भाई क्या खाना है बता दो। तो ये अब रोज होता है कि पहली तो बात झगड़ा यही होता है कि अरे आप बताइए क्या खाना है। तो मैं बोलता हूँ तुम अपने मन से बना लेना। अरे बताइए ना क्या खाना है। तो मैं बोलता हूँ भाई अपने मन से बना लेना, तुम्हें जो मन करे। रोज खाने का डिसाइड करना एक बड़ा टास्क है, आप समझ रहे हैं, ये किसी भी घर के लिए। मैं अपने घर की स्थिति देख रहा हूँ, शायद यही काम हर घर में होता होगा कि भाई क्या बनाना है, ये रोज ही डिसाइड करना पड़ता है कि भाई ये बहुत टफ काम है। मुझे लगता है कि सारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा टफ काम है। तो जाते समय अमन नहीं कहा कि भाई चिकन ले लेगा, चिकन खाएंगे। तो ठीक है भाई चिकन ले आऊंगा। तो मैं ले आया है चिकन, देखिए आपके सामने है, और मैं जा रहा हूँ उसको अब बनाते बनाते मैंने सोचा बना के डाल ही दे वीडियो, ये आप भी सीख जाए फिर। नहीं तो क्या बिहारी स्टाइल में बनाएंगे, कैसे स्टाइल में आप आज चिकन बनाने, बटर मतलब चिकन? जैसे घर पे बनाता हूँ मैं वैसे ही बनाऊंगा। बिहारी स्टाइल और पंजाबी स्टाइल क्या होता है, एक कॉमन तरीका है बनाने का, बस वही तरीका। मैं बड़ा कोई शेफ तो हूँ नहीं कि मैं बड़ा स्टाइल, जो कॉमन तरीका है चिकन बनाने का वही बनाऊंगा। आप लोग देखिए, अच्छा मुझे तो टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। हो सकता है आप भी ये प्रोसेस ट्राई करें, तो हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। मैं चिकन जो बनाता हूँ कम मसाले में बनाता हूँ, कम तेल में बनाता हूँ, और हेल्दी बनाता हूँ ताकि नुकसान ना करे आपके पेट में। तो चलिए, अब ये एक डाइट है इनका, तो उसमें अब कैसे चिकन बनाते हैं ये अपने डाइट को लेकर के, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बोलिए, चिकन कहीं से भी लाए एकदम साफ तरीके से इसको धो लीजिए। बिना धोए चिकन कभी मत बनाइए, अच्छे से 2-3 पानी धोइए चिकन को, ताकि इसकी गंदगी या फिर इसके जो बाहर से कैसे भी काट देते हैं लोग, तो उसको ठीक से बनाया जा सके। अगर अच्छे से धो लीजिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा बनाने में, और इस तरह की स्मेल भी, फालतू तरीके की स्मेल भी नहीं आएगी। तो चिकन का पानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निकालने की जरूरत है, क्योंकि पानी नहीं रहना चाहिए ना बिल्कुल भी। हाँ थोड़ा मतलब पानी ज्यादा, अब इसको उससे मैरिनेट करेंगे ना हम लोग, जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी से इसको मैरिनेट करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाने के बाद थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए, ताकि इसका जो पानी है ना, जिंजर गार्लिक जो पानी छोड़ेगा और पानी इसके अंदर जाएगा, चिकन के जब अंदर जाएगा और फिर इस जो टेस्ट आएगा बनने के बाद, कसम से उंगली ना काट लेना आप लोग। तो ये देखो, ये अभी इतना सही दिख रहा है, मतलब ओ हो हो हो। और ये हल्दी हमने थोड़ा सा डाल दिया मैरिनेट करने के लिए इसमें, देखिए। और हम कुछ तेल नहीं डालेंगे इसमें, कुछ नहीं डालेंगे, बस इसको चम्मच से हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर देंगे, क्योंकि जब इसके अंदर जिंजर गार्लिक के पेस्ट का जो टेस्ट अंदर जाएगा, चिकन के अंदर जब घुसेगा, वो फिर लाजवाब लगेगा आपको भी। देखिए, मैं चिकन जब भी बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा खड़ा मसाला ही अपना यूज़ करूँ, दुकान से लाके अपना,
मैं जो एवरेस्ट है या कोई भी है वो उसे कम यूज करता हूँ। तो ये धनिया है, ये जीरा है, ये ब्लैक पेपर है, मतलब इसको काली मिर्च कहते हैं, और ये लाल मिर्च है। इन सबको मिला के हम मिक्सी में मिक्स कर लेंगे। मैंने जो है ना वो आधा केजी चिकन लिया है, तो ये आधा केजी के लिए इतना इतना मसाला सफिशियंट होगा। ठीक है, इतना मसाला। मसाला तैयार हो गया ना, मैं सरसों तेल में चिकन बनाता हूँ। मुझे रिफाइंड वगैरह किसी चीज में लिखा, रिफाइंड तो वैसे खाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें, आधा के जी लाइक। ये दालचीनी है, दो इलायची लेंगे आधा के जी के लिए, तीन चार लौंग लेंगे खड़ा मसाले में। ज़्यादा खड़ा मसाला भी यूज़ करने से थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैं बस स्वाद आ जाए, टेस्ट आ जाए थोड़ा सा, बस उतना बहुत है। देख लीजिए ये तेज पत्ता है, तेल गर्म हो चुका है, ये डाल देंगे इसमें। गरम मसाला डालो तो तेल थोड़ा सा, तेल क्या कढ़ाई का जो आँच है गैस थोड़ी सी धीमी कर ले ताकि वो खड़ा मसाला जले ना। गरम मसाला भून चुका है, आपको दिख रहा होगा ब्राउन हो चुका है सब। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो प्याज काटा है चिकन के लिए, 200 ग्राम से ज़्यादा प्याज नहीं चाहिए, 150 ग्राम प्याज मान के चलिए, आधे के जी चिकन के लिए। उससे ज़्यादा प्याज डालेंगे तो ये मीठा हो जाएगा चिकन। तो प्याज जब तक ब्राउन ना हो जाए भूनते भूनते। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कई लोग क्या करते हैं कि प्याज भूनते समय नमक डाल देते हैं, उसमें नमक मत डालिए प्याज भूनते समय। बीच बीच में चलाते रहेंगे हम, बीच बीच में प्याज को चलाते रहेंगे हम। कैसा लग रहा है इतने दिन के बाद खाना बना करके आपको? इतने दिन के बाद क्या होता है, मैं खाना बनाता ही हूँ। अच्छा, अब हम दो ही हैं इस घर में तो खाना मैं बनाता ही हूँ। अब हमारी दोनों की शिफ्ट एक है तो साथ बना रहे हैं। अगर तुम इवनिंग में होती या फिर इवनिंग में या जनरल शिफ्ट में होती तो मैं तुम्हारे लिए बना कर रखता हूँ रात को खाना। आई एग्री। ये देखिए प्याज अब मुझे लगता है ब्राउन हो गया, भून गया है प्याज, अच्छे से भून गया है प्याज, देख रहे हैं आप लोग। तो प्याज भून जाए तो आप आँच धीमी कर दीजिए, उसके बाद चिकन जो आपने मैरिनेट किया था, देखिए कितना अच्छा अब ये हो चुका है ड्राई, अंदर पानी भी छोड़ चुका है, ये कितना अच्छा हो चुका है। किसके मुंह में पानी आ रहा है प्लीज कमेंट करके बताना, किसके मुंह में पानी आ रहा है चिकन देखने के बाद। चिकन जब तक पानी ना छोड़ दे तब तक किसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ढक देंगे, बोले देंगे चिकन को। तब तक हम मसाले को क्या करेंगे, मसाले में पानी डाल लेंगे और मिला लेंगे हम इसको। हमने तो हल्दी ऑलरेडी पहले ही मैरिनेट कर दिया है उसमें, तो मसाले में हल्दी डालने की ज़रूरत तो है नहीं, आपने पहले ही देखा। एक लाल मिर्च डाली थी क्योंकि हमने हरी मिर्च पहले ही मिला दिया था उसमें, तो ज़्यादा आप अपने स्वादानुसार मिर्च और नमक मिला सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये कैसा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी छोड़ने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक अपने स्वादानुसार डाल दीजिए। मसाला नहीं पड़ा, इसमें मसाला डालूंगा अभी,
थोड़ी देर और होने दीजिए। मसाला पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, चिकन पकने में थोड़ा समय लगता है, बट मसाला भी डालने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा पानी भी लगता है। और क्या-क्या आप बना लेते हैं? आप डिमांड तो कीजिए, कुछ भी बना, यानी कमेंट करके आपसे पूछे ना। तो गाइस इनसे कमेंट करके ज़रूर पूछें कि और क्या क्या ये शेफ़ जो हैं हमारे वो क्या क्या बना सकते हैं। आज कल आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या चिकन पानी छोड़ रहा है? इसमें पानी तो आपने अभी कुछ भी नहीं मिलाया ना। चिकन पानी छोड़ता है, थोड़ा सा इसको ड्राई होने देंगे हम चिकन को, फिर मसाला डालेंगे। तो मतलब अभी और पकने दें इसे, थोड़ा सा पीसेस बड़े बड़े हैं ना, थोड़ा सा पकने देंगे उसको। पीसेस अगर छोटे छोटे होते तो जल्दी पक जाते हो, पीसेस बड़े बड़े हैं इसलिए थोड़ा होने दीजिए उसको, और होते वो थोड़े अपने आप पता लगे। थोड़ा मसाला डालिए, और मसाला डालने के बाद आँच धीमा कर दीजिए उसको। मसाला डालने के बाद आँच तेज रखेंगे तो मसाले जलने का डर रहता है, फिर वो चिकन भी खराब हो जाएगा। तो आँच धीमा रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा पक, मसाले ज़्यादा अच्छा पकेंगे, चिकन भी पक जाएगा तब तक। तो YouTube फैमिली से और क्या कहेंगे आप? YouTube फैमिली आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई बहुत बुरा समय चल रहा है, आप लोग ठीक से रहें, स्वस्थ रहें, आप घर में अपने अपने घर, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले, बिना जरूरत बच्चों को तो बिल्कुल बाहर ना निकालें। देखिए हम मसाला डाल रहे हैं, मसाले को मिक्स करने के लिए जो पानी मिलाया था बस वही है ना, सिर्फ पानी। देखिए ग्रेवी अपने परिवार के परिवार में उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैं सोचता हूँ सूखा सूखा सा हो और मजा आए खाने में, जब पता चले कि आपकी ग्रेवी कहीं और जा रही है, चिकन कहीं और जा रहा है, ग्रेवी और चिकन तो संपर्क ही नहीं है। वही हो गया कि हम धरती पर आसमान में तारे देख रहे हैं। मसाले से लथपथ हो, अभी मैं बनाऊंगा, बन रहा है, बनने के बाद आप देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से चिपका रहता है, मसाला अलग होगा ही नहीं। चिकन आपका हो गया है, ये चिकन छोड़ने लगा है हड्डियों से, चिकन जो है छोड़ने लगा है हड्डियों से, चिकन छोड़ने लगा है टीले से, चिकन लगभग हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि खाने के लिए हो जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमें चावल के साथ भी खाना है ना इसे। क्या करेंगे, थोड़ा सा चिकन मसाला हम डाल देंगे, लास्ट में चिकन मसाला डालते हैं ना, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। वैसे ही थोड़ा सा हम चिकन मसाला डाल देंगे हल्का सा लास्ट में, गरम मसाला इसलिए नहीं, सारे गरम मसाले मैं पहले ही डाल चुका हूँ, जो जो गरम मसाले में इंग्रेडिएंट्स होता है वो पहले ही डाल चुका हूँ मैं। अब चिकन मसाला लास्ट में इसलिए डाल रहा हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट इसका जो है ना वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। ये हो चुका है, धनिया डाल देंगे, धनिया डालने के बाद हम दो चार मिनट भून या फिर इसको भून देंगे। क्योंकि अब हम लोग को फिर से मॉर्निंग शिफ्ट ही जाना है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ख़ास करके मेरे हस्बैंड के बारे में ज़रूर बोलिएगा। और तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बाय।